हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बॉश लिमिटेड, नाम सुना होगा आपने इसका। वॉशिंग मशीन्स बहुत आती हैं, इस तरीके से कई अप्लायंसेस आते हैं बॉश के, और यहाँ पे बड़ा झटका लगा है लेकिन इस शेयर को, बड़ा झटका मतलब प्रॉफिट में गिरावट के साथ साथ शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। चलिए देखते हैं एक नज़र, इसका रिजल्ट देखते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़े लेवल का शेयर है ये। चलिए सीधे लेके चलता हूँ आपको फंडामेंटल की तरफ। पहले बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला शेयर है ये, देखिए 40,000 करोड़ की मार्केट इसने बना रखी है और बुक वैल्यू 3,000 के आसपास है, लेकिन प्राइस देखिए 13,000 के लेवल पे आ चुका है, गिरता गिरता है। आपको यकीन नहीं होगा किस लेवल से इसमें गिरावट देखने को मिली है। जीरो डेट की कंपनी है ये, डेट फ्री शेयर मैं कहूँगा इसको। प्रोमोटर की बहुत अच्छी पकड़ है कंपनी पे, क्योंकि 70% से ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग। इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद फेस वैल्यू 10 रुपये और सेल्स ग्रोथ देखिए 8-8.5% की सेल्स ग्रोथ, इक्विटी पे रिटर्न 17% का और कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न 25% के आसपास, बहुत ही बेहतरीन। चलिए देखते हैं रिजल्ट कब आया। रिजल्ट जो आया आज 1:30 बजे के आसपास आया, यानी कि आज के ही मार्केट में इसका असर देखने को मिल गया था। प्रॉफिट पर नज़र डालते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में स्टैंड अलोन है, कंसोलिडेटेड हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो टोटल इनकम देखते हैं सबसे पहले, ये सारी फिगर लाख में है, इनको करोड़ में कन्वर्ट किया जाए तो 2877 करोड़ की टोटल इनकम, 2877 करोड़ टोटल इनकम फॉर दिस क्वार्टर, और लास्ट क्वार्टर में ये 2911 करोड़ यानी कि 2911 करोड़ का था। एंड अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर जून की, तो ये प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त था लास्ट ईयर जून में, यानी कि 3326 करोड़, और वहाँ से गिर के इस बार प्रॉफिट 2800 करोड़ के आसपास आ गया। तो सीधे सीधे गिरावट प्रॉफिट में देखने को नहीं, ये टोटल इनकम है। प्रॉफिट की अगर बात करें यहाँ पे, तो प्रॉफिट कितना रहा, प्रॉफिट यहाँ पे 280 करोड़ का प्रॉफिट इस बार दिखाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 411 करोड़ था मार्च क्वार्टर में। तो आप खुद देखिए मार्च क्वार्टर से कितनी कमी देखने को मिल रही है, और यही प्रॉफिट जून में 430 करोड़ का था। तो 430 करोड़ से 280 करोड़ पे प्रॉफिट आना, काफ़ी बड़ी गिरावट प्रॉफिट में, काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली है, जिसके रीज़न से ये शेयर आज की डेट में धराशाही होकर नीचे गिरने लगा है। ऑलरेडी ये पहले से ही नीचे गिरता गिरता धीरे धीरे इन लेवल्स पर आ चुका है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम इसके लिए आ गया है, और प्रॉफिट नीचे आता जा रहा है, तो शेयर में और गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल्दो ये ज़बरदस्त क्वालिटी का शेयर है, लेकिन इस बार परफॉर्म नहीं किया तो डेफिनेटली नीचे तो गिरेगा ही। इस शेयर में अभी नहीं, पिछले कुछ टाइम से, अगस्त 2018 से ये लगातार गिरे जा रहा है। रिवाइवल की एकदम कोई बड़ी कोशिश मुझे दिखी नहीं शेयर में। और RSI की बात करूँ मैं, तो बिल्कुल वीक जोन में आ चुका है, निचले स्तर पर आ चुका है। RSI ओवर सोल्ड रीजन में जाके देखिए कहाँ जा चुका है RSI, बिल्कुल निचले लेवल पे। तो ये इस तरीके से रिजल्ट देगा तो और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। आज की डेट में अकेला 770 रुपये का प्राइस आज की डेट में गिरा 5-5.5% रिजल्ट आने के बाद। चलिए ये आपने देखा बॉश लिमिटेड का रिजल्ट। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।